सासाराम लोकसभा सीट से कांग्रेस के मनोज कुमार ने जीत दर्ज कर ली है। वहीं दूसरे नंबर पर भाजपा के शिवेश राम रहे हैं। सासाराम सीट के लिए सातवें और चरण में 1 जून को मतदान हुआ था। बिहार की अधिकतर सीटों की तरह सासाराम लोकसभा सीट पर भी एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर रही। एनडीए ने बीजेपी के मौजूदा सांसद छेदी पासवान का टिकट काटकर शिवेश राम को मैदान में उतारा था, तो महागठबंधन की ओर से कांग्रेस के मनोज कुमार चुनौती पेश कर रहे थे। जगजीवन राम और उनकी बेटी मीरा कुमार के गढ़ के रूप में शुमार सासाराम लोकसभा सीट पर बीजेपी ने पहली बार 1996 में जीत दर्ज की और मुनीलाल यहां के सांसद बने। उसके बाद मुनीलाल ने 1998 और 1999 में भी जीत दर्ज की और हैट्रिक लगाई। हालांकि 2004 और 2009 में कांग्रेस की मीरा कुमार ने बाजी मारी, लेकिन 2014 और 2019 में बीजेपी के छेदी पासवान ने यहां से जीत का परचम लहराया था। ऐसी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहे इनसाइडर लाइव।